प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत हम बहुपद, जो कि आपका द्वितीय पाठ है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। गत सत्रों में हमने बहुपदों में बहुत सी चीजें सीखी हैं, जिसमें से कि एक गुणनखंड प्रमेय और एक शेषफल प्रमेय, जो कि सारी आधुनिक बीजगणित का भी एक आधार है, आपको वो समझ आई होंगी। हमने गुणनखंड किस तरह से करना है, एक छोटी सी समस्या लेकर आपको छोड़ दी थी, वो एक द्विघातीय बहुपद का गुणनखंडन था कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हम जो हमारा पिछला सत्र था उसको संपन्न किया, और आज के सत्र में हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो थ्योरम है उसका एक कार्य बहुपदों के गुणनखंडन को ज्ञात करने में भी है, तो हम बहुपदों के गुणनखंडन को पहले फैक्टर थ्योरम की सहायता से या फैक्टराइजेशन थ्योरम की सहायता से, गुणनखंडन प्रमेय की सहायता से सीखेंगे। मैंने आपकी सहूलियत के लिए एक बड़ा आसान सा एग्जाम्पल लिख दिया है कि एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो देखिए, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है कि ये एक द्विघातीय बहुपद है, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो अगर इसका x बराबर a एक शून्यक होगा, ये y में है, चलो तो हम y बराबर a कह देते हैं, क्योंकि ये x में नहीं लिखा गया है बहुपद। तो y बराबर a अगर एक इसका शून्यक हुआ, तो y माइनस a एक इसका एक गुणनखंड होगा। दूसरा शून्यक अगर इसका b हुआ, तो y माइनस b इसका दूसरा गुणनखंडन हुआ। चर राशि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो x हो, y हो, z हो, वो बहुपद पर निर्भर करता है कि कहां पर कौन सी स्थिति में क्या चर राशि दी गई है। तो हम क्या कर लेते हैं कि गुणनखंडन प्रमेय की सहायता से, गुणनखंडन प्रमेय से या गुणनखंड प्रमेय से, माना y माइनस ए तथा y माइनस बी दिए गए बहुपद पी ऑफ वाई के गुणनखंड हैं। अगर इसके ये गुणनखंड हैं, तो निश्चित रूप से जो पी ऑफ वाई की वैल्यू होगी वो वाई माइनस ए गुणा वाई माइनस बी के बराबर होगी। देखिए, वैसे भी जब हम इसका प्रसार करेंगे, इसका कोफिशियंट और इसका कोफिशियंट एक है, अगर इसमें मान लो इसका गुणांक कुछ और होता, तो पहले हम उसको कॉमन ले लेते और उसके बाद आगे की प्रक्रिया करते। पर क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर जो सबसे बड़ी घात का पद है, उसका गुणांक एक है, उसका कोफिशियंट एक है, तो इतना कहना पर्याप्त है। देखिए, अगर मैं इसका प्रसार कर लूं, तो यही इसी रूप का एक बहुपद हमको प्राप्त होता है। आप इसका प्रसार मेरे साथ कीजिए। प्रसार करने का मतलब प्रथम वाई से इस पूरे रैखिक को गुणा करना, रैखिक बहुपद को, और पुनः ए से इसको गुणा करना। तो वाई से जब हम इसको गुणा करते हैं, तो वाई गुणा वाई माइनस बी, और पुनः माइनस ए से गुणा करते हैं, तो माइनस ए गुणा वाई माइनस बी। तो अब देखिए, वाई से गुणा कीजिए, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस ए वाई, और माइनस ए इंटू माइनस, दिस इज प्लस ए इंटू बी। अब आप देखेंगे कि यदि मैं इसमें ये दूसरा और जो तीसरा पद है इसका, इन दोनों में y को सार्व ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और माइनस चिन्ह के साथ यदि मैं y को कॉमन ले लूं, तो अंदर b प्लस a बसता है। तो b प्लस a को उचित क्रम में हम a प्लस b भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू y। आप देखिए, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, तो वापस ऊपर वाली चीज मिल जाती है, यानी हमारा स्टेप बिल्कुल सही है, इंटू ए बी। तो ये पी ऑफ वाई पॉलिनोमियल हमारा इस फॉर्म में आ गया गुणनखंडन प्रमेय की सहायता से। तो इसको मैंने इक्वेशन एक कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन दो कह दिया। चूंकि दोनों एक दिया गया बहुपद था और एक उसके जीरोज मानते हुए हमने दूसरे उसी के दूसरे रूप की कल्पना की है। कल्पना इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक मुझे ए और बी के मान ज्ञात नहीं है, तो ए और बी के मान हम तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। तो दाएं पक्षों की तुलना करने पर, यानी हम इसको समीकरण कह दें, समीकरण एक और दो में गुणांकों की तुलना करने पर, या गुणांकों की तुलना से हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए। एक तो
ये वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर के तुल्य है, यहां पर माइनस ए प्लस बी इसका वाई का गुणांक है और यहां माइनस फाइव है, तो माइनस की तुलना माइनस से, वाई की तुलना वाई से, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी का मान 5 के बराबर है। देखिए आप तुलना कीजिए, यहां पर जो मैं स्क्वायर सर्कल करके दिखाता हूं, जो हमारा ए प्लस बी है वो इस 5 के तुल्य हुआ, यहां पर 5 हमने जो लिखा था। इसी तरह से जो मेरा a गुणा गया b, ए बी जो आया वो 6 के बराबर हुआ। अब इसको हल करने की बड़ी विधियां हैं, चलो हम हल करने की विधियों पर न जाएं, अर्थात ये जो दो रिलेशन आई हैं इनके हल करने की विधियों पर उस रूप में न जाएं जिस रूप में हमको इन्हें हल करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये आसान सी समस्या है, हम हिट एंड ट्राई से मतलब थोड़ा देर इनका ढंग से अवलोकन करने से ए और बी के मान बता सकते हैं। यानी आपको दो ऐसे संख्याएं सोचनी है जिनका जोड़ 5 हो और जिनका गुणनफल 6 हो। तो क्या हम पाते हैं कि ए को अगर मैं 2 ले लूं, बी को 3 ले लूं, तो 3 और 2 5 और 3 दुना 6, तो मैं कह सकता हूं कि ए का मान 2 और बी का मान 3 के बराबर है। तो अब इससे हमारा फैक्टराइजेशन इसका एक तरह से देखिए पूर्ण हो गया। इसलिए जो पी ऑफ वाई की वैल्यू आएगी, पी ऑफ वाई की वैल्यू इस वाली रिलेशन में मैं ए और b के मान प्रतिस्थापित कर दूंगा, तो p of y equals to y minus 2 into y minus 3। तो एक आसान सा एग्जांपल मैंने आपको आपके सामने रखा कि कैसे हम फैक्टर थ्योरम या गुणनखंड प्रमेय की सहायता से भी गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें हमको लिखना ज्यादा पड़ता है। अगर एक इसी का एक लघु रूप है जो मध्य पद का विभाजन है, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से जुड़ा हुआ है जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी। तो प्यारे बच्चों, इसी बहुपद के गुणनखंड को हम उसी तरीके से करना चाहेंगे जो कि निश्चित रूप से एक आसान तरीका है। तो अब हम मध्य पद विभाजन की सहायता से बहुपद का गुणनखंडन करेंगे। तो वापस इसी उदाहरण की क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, तो एग्जाम्पल आपके सामने यही है और तरीके में थोड़ा सा फर्क, देखिए फर्क उस रूप में फर्क है, प्रक्रियागत फर्क है, लेकिन दोनों का भाव एक ही है, दोनों तरीकों का सार एक ही है। देखिएगा आप, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे था हमारा 5y, तो यही अब यहां पर हम किस तरीके से कर रहे हैं, मध्य पद विभाजन की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करने को गुणनखंडन कह देते हैं, नो लगा देते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन टू ऑब्टेन द फैक्टर्स, तो गुणनखंडन इसका हमको ज्ञात करना। तो क्या करेंगे यहां पर, चूंकि जो p ऑफ y की वैल्यू है वो हमारे पास y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 है, तो सीधा सीधा जो इसका मध्य पद है, इसका मध्य पद क्या है, चिन्ह के साथ आप देखिए, तो इसका मध्य पद माइनस 5 है, तो मध्य पद अर्थात माइनस 5y, आप चर राशि को भी सम्मिलित करें या केवल उसके गुणांक को ही ले लें, तो आसान ये रहता है कि केवल हम उसके गुणांक की बात करें। यानी माइनस 5 को इस तरह से हम स्प्लिट करें, इस तरह से उसको तोड़ें कि उसके उसका प्रोडक्ट, उसका जो गुण, उनके टुकड़ों का जो गुणनफल हो वो इन दोनों के बराबर आए, अर्थात इसके गुणा के और इसका जो गुणांक है। आप प्यारे बच्चों, इसका जब गुणांक कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका गुणांक कितना हो गया, 1। तो आप देखते हैं कि 6 और 1 की गुणा करने से 6 प्राप्त होता है, तो यानी हमको इस माइनस 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनका जोड़ तो माइनस 5 आए और गुणा प्लस 6 आए। तो निश्चित रूप से जब दो भाग माइनस माइनस होंगे, तभी उन दोनों माइनस वाले नंबर्स का प्रोडक्ट प्लस आएगा। तो ये तो एक बात तय हो गई कि चिन्हों की बात, कि दोनों हमारे नेगेटिव नंबर है। तो निश्चित रूप से देखिए, माइनस 2 एंड माइनस 3 को अगर मैं ले लूं, तो आप क्या पाते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा तो प्रोडक्ट करने के बाद मुझे प्लस 6 इनका प्राप्त होता है। तो यही इस प्रक्रिया का सार है। अब देखिए, कहीं ना कहीं ए भी, वहां भी हमने यही किया, ए गुणा गया बी और ए प्लस बी, तो बात तो वही है लेकिन प्रक्रियागत थोड़ा सा इसमें आसानी है, आपने देखा होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, p of y equals to y square minus 5y के दो टुकड़े क्या हो गए, minus 2y and minus 3y,
और प्लस सिक्स यानी माइनस, क्योंकि इसके साथ वाई तो इसके साथ वाई, इसके साथ वाई तो माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई, दोनों को ऐड करेंगे माइनस फाइव वाई आएगा, और ये सिक्स तो पहले से है। अब हम इनको दो दो करके इनके जोड़े बना लें, चार पद हो गए अब हमारे पास, दो पदों को एक साथ, दो पदों को एक साथ, और ये देखें कि क्या दोनों कोष्टकों में दोनों को एक साथ लेने पर एक कोष्टक बन गया, और ये विचार करें कि इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। अर्थात अब हम इसको और इसको एक साथ लेंगे और इन इस जोड़े पर विचार करें कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं। तो एक तो वाई दोनों से कॉमन आ रहा है, वाई के अतिरिक्त कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन लेने की बात मैं आपको पहले भी कई मर्तबा बता चुका हूं कि कॉमन का आशय है, सार्व लेने का आशय है कि जैसे मैंने यहां वाई बाहर लिखा तो इन दोनों पदों को मुझे वाई से विभाजित करना है। पहले पहले आपको समस्या होगी, लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो यही क्रिया बड़ी सहज हो जाती है। तो यानी वाई स्क्वायर बटा वाई हम करते हैं तो हमको प्राप्त होता है वाई, और माइनस टू वाई बटे वाई करते हैं तो हमको प्राप्त होता है माइनस टू। आसान सा है। इसी तरह से हम यहां पर विचार करें कि क्या कॉमन हो सकता है, और एक तो माइनस साइन हम यहां से कॉमन ले सकते हैं ताकि यहां पर भी कुछ इसी तरह का फैक्टर आए, दूसरा माइनस थ्री और प्लस सिक्स माइनस थ्री से विभाज्य है तो माइनस थ्री इनका कॉमन आ गया। तो माइनस थ्री कॉमन लेने पर माइनस थ्री वाई को माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वाई बचेगा। अब हम सिक्स को माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस टू बचेगा। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर पदों की संख्या कितनी है, तो अब हमारे पास दो पद है, पहला पद और दूसरा पद, दो टर्म्स बच गए। इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है? अब आसानी से आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास, हम इसको कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है वाई माइनस टू, तो वाई माइनस टू अब मैंने कॉमन ले लिया उसी प्रक्रिया से जैसे अभी तक हम करते आए हैं। तो यहां से क्या बचता है वाई, और यहां से क्या बचता है माइनस थ्री। तो हमने देखा कि हमारा जो पी ऑफ वाई नामक पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर आगे वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री, तो एक तरह से उस प्रक्रिया की अपेक्षा इसमें हमको कम लिखना पड़ता है, कम स्टेप्स करने पड़ते हैं और बड़ा सहज है। तो हम इस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि किस तरह से बहुपदों के गुणनखंड में हम इसका पालन करें। अब प्यारे बच्चों एक हम दूसरी प्रक्रिया पे आते हैं कि जिसकी दूसरे एग्जाम्पल पे जिसकी चर्चा हमने लास्ट सेशन में की थी, किंतु उसका गुणनखंडन आपको करके नहीं दिखाया था। अगर आपने उस पे अभ्यास किया हो, अगर आपने सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम पुनः आपके सामने उसी उदाहरण को रख रहे हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम था, क्या एग्जाम्पल था, हमने एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिया था p ऑफ x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ये शायद पॉलिनोमियल था जिसकी चर्चा हम लास्ट सेशन में आपसे कर रहे थे और इसको फिर आपके लिए छोड़ दिया था। जिसने किया अच्छी बात है, नहीं तो आप पुनः मध्य पद विभाजन की सहायता से, मध्य पद विभाजन की सहायता से, मध्य पद विभाजन विभाजन की सहायता से गुणनखंडन फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़ने से गुणनखंडन कैसे करना है? चूंकि जो हमारा p ऑफ x पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 प्रकार का है। अब अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था आपसे कि पहले आप x स्क्वायर के गुणांक, जिसको कि अगर मैं इस बहुपद को p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कह दूं तो ये a कहा जाएगा इसको, इस वाले संख्या को, इस वाले गुणांक को b कहा जाएगा और अचर पद को हम c कहेंगे। तो a और c की गुणा कर लेते हैं, यानी 6 और 5 की गुणा हमने की, 6 × 5 = 30। तो अब हमको इस 17 के साथ तो प्लस चिन्ह है, देखा जाए तो चिन्हों के मामले में आसान है कि दोनों खंडों का योग प्लस संख्या आना चाहिए और दोनों खंडों का गुणनफल भी प्लस संख्या आना चाहिए, धनात्मक संख्या आनी चाहिए, यानी दोनों संख्याएं फिर तो हमारी धनात्मक होंगी क्योंकि धनात्मकों को जोड़ के ही धनात्मक आएगा और धनात्मकों के गुणनफल से ही हमको धनात्मक गुणनफल प्राप्त होगा। तो 17 के ऐसे दो भाग, 17 के ऐसे दो पार्ट्स जिनको सम करके 17 आए और प्रोडक्ट जिसका 30 हो। तो बड़े आसानी से आप ये भी देख सकते हैं कि एक तो 2 हो गया और एक 15 हो गया। इसके लिए
15 टू जा 30 और 15 और 2 17। अब आप देखिए हमको मिल गया देयरफॉर। अब हम p ऑफ x को तीन पदों के स्थान पर चार पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? देखिए 6x स्क्वायर प्लस, अब इसको मैंने लिख दिया 17 के 2 प्लस 15 किया तो 2x प्लस 15x, तो 2x प्लस 15x प्लस 5, ये मेरे पास इस रूप में चार पद हो गए, 1, 2, 3 और 4। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल पे किया था उसी तरीके का आप पालन करेंगे। यहां देखिए इसमें दोनों में क्या सार्भ लिया जा सकता है, 6 और 2 2 से विभाज्य है तो 2 भी कॉमन आएगा, x स्क्वायर और x दोनों x से विभाज्य हैं तो x हम 2x इस तरह से कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लेने पर ये हमारे पास किस रूप में आ गया, ये 6x स्क्वायर का हो गया 3x। देखिए इसको डिवाइड कीजिए 2x से तो 3x, और 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 1। और इसी तरह से यहां जो बाकी ये दो पद बचे हैं इनमें हम 5 को सार्व ले सकते हैं, 5 को कॉमन ले सकते हैं, अर्थात 5 से दोनों पदों को विभाजित कर दे और 5 गुणा के रूप में बाहर लिख दे तो 15/5 यानी 3x और 5/5 दिस इज 1। अब पुनः आप देखिए कि हमारे पास यहां पर दो पद है, पहला पद और दूसरा पद, दोनों पदों में 3x प्लस 1 एक कोष्टक के रूप में कॉमन आ रहा है, सार्व आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 3x प्लस 1। व्हाट वी गेट, यहां से क्या बचेगा 2x और यहां से क्या बचेगा प्लस 5, तो 2x प्लस 5। तो ये दो फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर। तो बड़ा आसान सा तरीका है कि मध्य पद को कैसे तोड़ के आप एक द्विघातीय बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वैसे आपने किया होगा, जिनको थोड़ा भी समस्या लगी है तो उनका सॉल्यूशन, उनके लिए सॉल्यूशन पुनः आपके सामने है। अब हम द्विघातीय बहुपदों से आगे बढ़ते हुए त्रिघातीय बहुपदों का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि त्रिघातीय बहुपद को किस तरह से हम गुणनखंडित करेंगे, उसके फैक्टर किस तरह से करेंगे। तो त्रिघातीय गुणन बहुपद का एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और द्विघातीय बहुपदों के आपकी बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम है, आज आप उनको अवश्य सॉल्व कीजिए और त्रिघातीय के भी प्रयास कीजिए। पर चलो पहले सीख लेते हैं। हमने कहा माना x चर में है तो p ऑफ x इसका नाम दे दिया, p ऑफ x इक्वल्स टू हो गया x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, फिर हो गया 142 प्लस 142x और माइनस 120 माइनस 120। तो x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो इसके हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर x क्यूब का गुणांक एक है तो इसके जो लास्ट में जो अचर पद है कांस्टेंट है उस पर जाते हैं और उसके गुणनखंडों पर विचार करते हैं। अगर हम देखें कि माइनस 120 के क्या गुणनखंडन हो सकते हैं, आगे अभी आपको इस प्रक्रिया को विस्तार से बताया जा रहा है, जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो हर स्टेप पे जाना आपके लिए आवश्यक नहीं होगा, हम उस स्टेप को अपने मन में भी कर सकते हैं। पर पहला स्टेप इसका जो ध्यान करते हैं हम, वो माइनस 120 के सभी संभावित गुणनखंडों को लिखते हैं। तो माइनस 120 के संभावित गुणनखंडन, संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, आप विचार कीजिए किस किस से ये विभाज्य है। सबसे पहले प्लस और माइनस एक से, फिर प्लस और माइनस दो से क्योंकि सम संख्या है, तीन से भी विभाज्य है प्लस और माइनस तीन से, चार तीन 12 प्लस और माइनस चार से, पांच से भी विभाज्य है क्योंकि जीरो है लास्ट में प्लस माइनस पांच से, इसी तरह से 6 × 12 तो प्लस माइनस 6 से, इसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं तो ये 9 से भी विभाज्य है, 8 से विभाज्य 6 के बाद प्लस माइनस 8, 10 से भी विभाज्य है इसी तरह से, 10 के बाद अगर हम विचार करें तो ये 12 से विभाज्य है, 12 10 है 120 तो 12 से स्वयं विभाज्य है, 12 के बाद हम देखें तो फिर ये प्लस माइनस 15 से भी विभाज्य है, उसके बाद ये प्लस माइनस 20 से विभाज्य है, 20 का भी भाग चला जाता है, उसके बाद प्लस माइनस 24 से भी विभाज्य है, उसके बाद प्लस माइनस 30 से भी विभाज्य है, उसके बाद प्लस माइनस 60 से भी विभाज्य है और स्वयं तो है ही, उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्लस माइनस 120 से भी विभाज्य है। तो जो भी इसके पॉसिबल फैक्टर थे उनको एनलिस्ट कर लेना है, उनको हमने लिख लेना है इस कांस्टेंट टर्म के। अब क्या करते हैं हम, हमको ये देखना है कि इनमें से
कौन इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है? प्यारे बच्चों, ये जांचने की विधि है। अर्थात हम यहां से प्रारंभ करते हैं, पहले इस सारे बहुपद में एक स्थापित करेंगे, अर्थात P of 1 लेंगे, P of 1 की वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। इसी तरह से आप P of 2 लीजिए, P of -1 लीजिए, P of -2 ले लीजिए, तो उन विभिन्न मानों पर, इन विभिन्न मानों पर इसका मान ज्ञात कीजिए, कहीं ना कहीं इस बहुपद का मान शून्य अवश्य प्राप्त होगा। अर्थात मैं ये कहूं कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम इस बहुपद का शून्य तलाश रहे हैं। तो मैं अभी आप एक पर ही देखिए, मान लीजिए मैं इस सारे पॉलिनोमियल में एक सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो पी ऑफ एक्स में एक्स बराबर एक रखने पर, पी ऑफ वन का मान आप रखेंगे, ये वन रखिए आप इसमें, तो पी ऑफ वन का वैल्यू प्यारे बच्चों हमको जीरो प्राप्त होता है। तो पी ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो, अर्थात इस बहुपद का मान एक रखने पर शून्य होता है। तो फिर हमारी जो पिछली हमारी फैक्टर थ्योरम थी वो क्या कहती है? दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है, तो एक गुणनखंड हमको ज्ञात हो गया, पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड ज्ञात हो गया। तो त्रिघातीय बहुपद है तो इसके अधिकतम जीरो तीन हो सकते हैं। एक हमको पता चल गया, एक शून्य किसका पता चल गया, एक गुणनखंड इसका पता चल गया। और जो भी गुणनखंड होता है वो हम शेषफल प्रमेय से जानते हैं कि उस गुणनखंड से इसको विभाजित करेंगे तो पूरी पूरी बार भाग जाएगा। तो पी ऑफ एक्स को एक तो तरीका है कि आप इसको विभाजित कर लीजिए तो द्विघात का बहुपद मिलेगा, और उसका मध्यपद विभाजन से फैक्टर कर लीजिए। एक थोड़ा सा एक एडजस्ट करने का तरीका है, इसके पदों को एडजस्ट करने का तरीका है, अर्थात मैं इनके इसके इन पदों को इस तरह से व्यवस्थित करता हूं कि हर दो के मध्य एक्स ऋण एक कॉमन आ सके, एक्स माइनस एक कॉमन आ सके। तो प्यारे बच्चों ये पी ऑफ एक्स को मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए ये एक्स क्यूब लिख दिया मैंने, अब मुझे ऐसा राशि इसके बाद लिखनी है, इस पद का वो हिस्सा इसके साथ एडजस्ट करना है जिससे कि x कुछ कॉमन लेने के बाद x माइनस वन बच सके। तो निश्चित रूप से मैं यहां पर क्यों ना माइनस एक्स स्क्वायर ले लूं। क्यों लिया है माइनस एक्स स्क्वायर? कि जस्ट जिस क्षण में एक्स स्क्वायर को इन दोनों से सार बनूंगा तो x माइनस एक कॉमन बच जाएगा। तो माइनस 23x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर मैंने इसके साथ एडजस्ट कर लिया, तो अब कितना बचा? माइनस 22x स्क्वायर बचा। प्यारे बच्चों इन दोनों को आप जोड़िए, मतलब माइनस माइनस जुड़ते हैं तो माइनस 23x स्क्वायर आएगा। तो यहां तक हमारा काम हो गया। अब माइनस 22x स्क्वायर के साथ क्या लिखा जाए कि कॉमन लेने के बाद अंदर हमको कोष्टक में एक्स माइनस वन मिले। तो निश्चित रूप से इसमें से मैं प्लस 22x ले लेता हूं, क्योंकि देखिए जब मैं इन दोनों में से 22 कॉमन लूंगा 22x, तो यहां से x रहेगा और माइनस कॉमन लेने से यहां पर माइनस वन रह जाएगा। तो 142 में से मैंने 22x ये ले लिया। अब 142x में से 22 चला गया तो कितना बचा हमारे पास? 120। तो प्लस मैंने यहां पर 120x माइनस 120 करा। देखिए अब दो दो पदों के आपके जोड़े बन गए, इस तरह से छह पद हुए, और प्रत्येक पद से आप सार लीजिए, इससे मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो ये क्या आएगा? एक्स माइनस वन, इससे मैं माइनस 22x कॉमन ले सकता हूं। तो माइनस 22x कॉमन लेने पर ये क्या आएगा? एक्स माइनस वन, और ये तो बड़ा सहज है, इन दो पदों से 120 हम कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस वन। सबसे एक दो तीन पद रह गए, सब में एक्स माइनस वन आप कॉमन देख रहे हैं, तो अब हम एक्स माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं। एक्स माइनस वन कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो प्यारे बच्चों ये आसानी से, बिना यहां पर हमने विभाजन नहीं किया, विभाजन को सबसाइड करके इस प्रक्रिया का पालन करा। अगर हम p ऑफ x को x माइनस एक से विभाजित भी करते तो यही हमारा भागफल आता। अब हम इसके गुणनखंडन करने हैं, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। नाउ अब आप इसको ले लीजिए और हम क्या करते हैं, मध्यपद विभाजन की सहायता से इसके गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। तो माइनस 22 के ऐसे जोड़े आप ज्ञात कर सकते हैं जिनको की गुणा करने पर 120 आए। तो देखिए माइनस 22 के दो टुकड़े करिए कि 120 आए, तो आप देखेंगे माइनस 10 और माइनस 12, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो माइनस 22, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 120। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x, तोड़ दिया मैंने इसको, प्लस 120। अब इन दोनों पदों से
दोनों जोड़ों से कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टेन, यहाँ माइनस ट्वेल्व कॉमन लिया तो माइनस ट्वेल्व कॉमन लेने का 12 एक्स में से माइनस 12 तो एक्स रहा, और 120 को माइनस 12 से विभाजित कीजिए तो माइनस 10, तो एक्स माइनस 10 कॉमन आ गया, तो यहां से बचा एक्स और यहां से बचा माइनस 12, ये तो अब आप सीख ही गए हैं। तो इस तरह से इसलिए p ऑफ x का जो फैक्टर फॉर्म होगा वो x माइनस वन, देखिए x माइनस वन तो ये है ही हमारे पास, और इसका गुणन खंडन हम कर चुके हैं, तो ये किसके बराबर आ गया, x माइनस टेन इंटू एक्स माइनस ट्वेल्व। तो इस चक्रीय क्रम में इस तरह से लिख करके भी हम इसके गुणन खंडन ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आपने इंजॉय किया है इस सेशन को, और खूब सारे एग्जाम्पल्स, खूब सारी एक्सरसाइज आप इसके ऊपर कीजिए। जो 2.4 एक्सरसाइज है वो एक्सक्लूसिवली इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड है। अगले सेशन में हम प्रॉब्लम्स के साथ होंगे। थैंक यू।